सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल साइले डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, रेगुलर रूटीन से अच्छे अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में हम हर उस छोटे से छोटे पशुपालक के घर पहुंच के और जो बड़ा से जो बड़ा ब्रीडर है उनकी जो पशुओं की वीडियो हम वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहते हैं, उसी के प्रयास में आज हम मितेश भाई के डेयरी फार्म पर पहुंचे हुए हैं। कन्हैया लाल डेयरी फार्म जो आप स्क्रीन पर जो आप ज्योति देख पा रहे हैं, हम इसकी डिटेल्स है भाई से ले, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, काफी दिनों के बाद आज हम भाई हितेश की डेयरी फार्म से जो कि वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, भाई हितेश जो कि कन्हैया लाल डेयरी फार्म के जो ओनर है, मैं बताना चाहूंगा कि काफी अच्छे पशुधन के लिए और जो अच्छी कीमत में जो भाई देख पा रहे हैं वे भी जानते हैं, क्योंकि अच्छा जो वीडियोज के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को पशु दिखा रहे हैं काफी अच्छा। मैं बताना चाहूंगा जो कि अपना नाम काफी, मैं कहूं कि हरियाणा में नहीं, काफी जो बाहर के जो स्टेट्स है उनमें भी भाई का जो काफी ज्यादा जो कि नाम है और एक सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि बन चुका है, किसी भी प्रकार का जो कि हमें ऐसा नहीं है कि भाई जो भी हमें जो कि जिसे हमें दलाल कह देते हैं, तो सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधे जो कि किसान के घर से या फिर कोई जिस भाई का सेल परचेज का काम है वो वहां से जो कि डायरेक्ट जो कि पशु वो खरीद सकता है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम हितेश भाई से जो आप स्क्रीन पर जो जोटी देख पा रहे हैं हम इसकी डिटेल। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई साहब, कैसे हो आप? हमारे से आप कितनी जोटियां दिखाएंगे बिक्री के लिए? भाई साहब जोटी तो पांच खड़ी है लेकिन तीन दिखाएंगे आज। जोटी पांच खड़ी है लेकिन तीन दिखाएंगे, तो जो पहले नंबर पर है भाई इसकी डिटेल्स बताएं। सेकंड टाइमर है, दांतों में छह। सेकंड टाइमर दांतों में चार, छह। तो ये और बताएं ये कितने दिन की ब्याई हुई सर? ये 23-24 दिन की होगी। 23-24 दिन की ब्याई हुई है और मैले से छट चुकी है सर? हाँ जी, मैले से। मैले से छट चुकी है। तो दूध और बताएं सर इसका? 17 लीटर दूध है। 17 किलो दूध, ये आप ये देख सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप इसकी लमेट आप ये देख सकते हो, हाइट काफी अच्छी और ये देख सकते हो दोस्तों। मैं अदर क्वालिटी में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, लगभग जो कि 10-11 बजे का जो कि टाइम है और जो अदर क्वालिटी आप ये देख सकते हो दोस्तों। जो पशु खुलकर चलता है तो उसकी हाइट और लेंथ से जो कि पता चलता है कि पशु कैसा है, ये आप ये देख सकते हो। काफी मैं कहूँ कि एक ये देख सकते हो जो लमेट है काफी अच्छी और हाइट और लेंथ काफी अच्छा। जो सिंगों की बनावट मैं बताना चाहूंगा, शरीर पर बिल्कुल जस्ता हुआ। दांतों में भाई ने मेरे से बताया कि 6 दांत आप ये देख सकते हो। भाई का मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलर रूटीन से जो कि पशुओं का सेल परचेज का काम है, किसी भी टाइम पर आप आगे जो कि भाई से जो कि पशु हैं यहाँ पर आके जो कि आप देख सकते हो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, भैंसे जो कि बच्चा काफी कम दे पा रही हैं, इसी कारण से जो कि मार्केट में भैंसों का रेट जो कि काफी ज्यादा जो कि बढ़ा हुआ है। तो ये और बताएं जो दूसरे नंबर पर है इसकी और डिटेल बताएं। सर ये भी सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर है, कितने दिन की ब्याई हुई सर? 8 दिन की हुई भाई। 8 दिन की ब्याई हुई है। नीचे क्या है? मेल काप है जी। नीचे मेल काप, इसके भी नीचे मेल काप है सर? इसके भी नीचे मेल काप है। तो ये लगभग इसमें जी दूध कितना तैयार है? 13-14 लीटर दूध तैयार है। 13-14 किलो दूध तैयार। मैले से छटी हुई या फिर नहीं छटी अभी? मैले से नहीं लगी है भाई। मैले से नहीं लगी, आप ये देख सकते हो। कितने दिन की ब्याई हुई बताई सर? 8 दिन की। 8 दिन की ब्याई हुई आप ये देख सकते हो। मैं बताना चाहूंगा भाई के डेयरी फार्म पर काफी जो की हाइट और लेंथ आप ये देख सकते हो, काफी मैं कहूंगी एक से एक नया नगीने भाई के डेयरी फार्म पर एक साथ हमें यहाँ पर देखने को मिले, आप ये देख सकते हो। बिल्कुल चौड़ी पीठ की आप ये देख सकते हो दोस्तों। ऐसी ऐसी जो भैंसे होती हैं हम इनसे जो कि इन फ्यूचर ब्रीडिंग के ऊपर भी जो कि अच्छा सीमन टिकवा के जो कि हम ब्रीडिंग के ऊपर भी कार्य कर सकते हैं, ये आप ये देख सकते हो। सिंगों की बनावट काफी अच्छी, जो ऐसी आना चाहूंगा आप ये देख सकते हो। बिल्कुल टाइट अड्डर की जो ऐसी ऐसी अड्डर की जो भैंसे होती हैं हम इनसे जो कि पता नहीं लगा सकते कि ये कितना दूध दे सकती है, ये देख सकते हो। जो टैल है लगभग 4 इंच, बाल व्हाइट है बाकी पूरी ब्लैक है, आप ये देख सकते हो। जो हाइट और लेंथ आप ये देख सकते हो, जो दो जोटियां हैं काफी अच्छी। भाई इसकी और डिटेल बताएं। वैसे ये भी सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर है और कितने दिन बच्चे दिया हुआ है भाई? 5 दिन हो गए भाई। 5 दिन बच्चा दिया हुआ है और मैले से अभी से चली नहीं, मैले से चली नहीं। इसके नीचे क्या है भाई? मेल काफ। मेल काफ और दूध कितना है? 12-13 लीटर। 12-13 किलो दूध। तो आप इसे कितने दूध की उम्मीद करते हो सर? 15 किलो दूध आराम से निकाल देगी। 15 किलो दूध बिल्कुल आराम से निकाल देगी। ये दोस्तों देख सकते हो, जो गर्मी का टाइम है इस टाइम में जो कि भैंसे जो कि काफी कम बच्चा दे रही है और जो अडर क्वालिटी आप ये देख सकते हो, काफी मैं कहूँगी स्टिक अडर और आप ये जो थनों का स्पेस है ये आप ये देख सकते हो काफी अच्छा।
ये देख सकते हो दोस्तों, जो ये आप देख सकते हो जो सिंगों की बनावट है काफी अच्छी। मैं इसको भी जो कि खोल के चलवा के दिखाऊंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि भाई के डेयरी फार्म पर जो कि जायजों में जो कि यहाँ से आप जो कि पशु हो परचेज कर सकते हैं, ये आप ये देख सकते हो। जो हाइट और लेंथ काफी अच्छा, जो सिंगों की बनावट है बिल्कुल शरीर पर टिकता हुआ, और साथ में जो कि मेल काफी आप ये देख सकते हो ताजा बिल्कुल ब्याई हुई। और भाई ने जैसे कि बताया आज की तारीख में जो कि 12-13 किलो दूध जो कि तैयार है, ये आप ये देख सकते हो। तो इसकी भी ऑर्डर क्वालिटी काफी अच्छी। तो इसकी हम जो कि कीमत है भाई साहब से और पूछेंगे, तो भाई साहब इसकी कीमत और बताएं। मात्र 95,000 आप ये देख सकते हो। भाई के डेयरी फार्म पर हमें काफी ज्यादा जो कि वीडियो है शूट की है, और उनमें जो कि कम कीमत के साथ हमने यहाँ से आप लोगों को जो कि पशु है हम वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है। तो भाई अपना एक बार संपर्क सूत्र और बताए। 88140 88140 31204 31204 इसी पे व्हाट्सएप है। तो कोई भी पशुपालक भाई इन भैंसों के बारे में भाई देश से कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा भाई देश का जो कि रेगुलर रूटीन से जो कि पशुओं का सेल परचेज का काम है, किसी भी टाइम यहाँ पर आप आके जो कि पशु वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कवरेज कन्हैया लाल डेयरी फार्म पर। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी छोटे पशुपालक के पास या फिर किसी हाईटेक डेयरी फार्म पर। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार।